नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है और साथ में कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया है कि उनके घर का प्लान है। पश्चिम मुखी घर है, ये एंट्री है इनकी, मेन गेट यहाँ भी मेन गेट है और पूर्व उत्तर और दक्षिण पश्चिम मुखी है। दोस्तों ये जो लिखते हैं, सर यदि स्टेयरकेस का एक्सपोज होना शुभ है तो मैं दीवार देकर भवन को आयताकार करवा दूंगा और मेन गेट शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब मेन गेट को शिफ्ट कर सकते हैं इसको आयताकार करके। ऑलरेडी ये 45x34 का है, ये 43x34 फिट का है, काफ़ी अच्छा साइज है। तो और सेप्टिक टैंक के बारे में बताएं, उत्तर के अलावा 3 दिशाओं में कार्य हो सकता है। घर को पूर्व मुखी भी किया सकता है यदि पश्चिम में रखने में कोई दोष आता है तो। नल की बोरिंग के स्थान बताने कृपा करें। समस्या ये है कि पैसे की आवक स्थायी नहीं रहती, काम तो चल जाता है लेकिन चिंता बनी रहती है। जो इनका दूसरे मैसेज भी हैं उसके हिसाब से पढ़े लिखे भी हैं, ठीक है ना, अच्छा पढ़े लिखे, पर वो बात बनी नहीं होगी क्योंकि जो मकान की बनावट दिखा रही है कि जो अनुचित स्पार्क इस मकान ने आने नहीं दिया। जब आपके घर का वास्तु अच्छा होता है नहीं होता है तो क्या होता है, आपको कितनी योग्यता हो आप वो चीज़ें हासिल नहीं कर सकते जो आप में योग्यता होती है। मुझे लगता है कुछ मामला ऐसा ही है, उनकी योग्यता ठीक है, अच्छी है, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, जी रहे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, वो इससे भी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। देखते हैं इनका प्लान। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने ये दिया मेन गेट, ये भी यहाँ भी मेन गेट जैसा ही है और ये रूम है, ठीक, ये बरामदा है, ऊपर जाने की सीढ़ी यहाँ बनी हुई है और ये सेप्टिक टैंक है। देखिए पहली बात तो जब ये सेप्टिक टैंक साउथ वेस्ट में है तो ये साउथ विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा करता है और खास करके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करता है। तो ऐसे घरों में क्या होता है कि इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी कष्ट इतने आते रहते हैं कि इतना पैसा बर्बाद होता था इन चीज़ों में, क्योंकि इसके और भी समस्याएं आती हैं, विवाद भी होते हैं, हर तरह की मतलब विभिन्न बाधाएं आती रहती है जीवन में, तो आदमी पैसा बचाए क्या, जो आता है और फिर वो जो मतलब यानी कि बीमारी में उसमें चला जाता है, कोई लाइबिलिटी में चला जाता है, तो ये बहुत बड़ा दोष है। दूसरा, पश्चिम मुखी होना गलत नहीं है पर जिस तरीके से लग रहा है बरामदा और ये, तो ये हिस्सा नीचा होगा इनके घर का और ये हिस्सा कंपेरेटिवली थोड़ा ऊंचा होगा, मतलब 6-6 इंच 4-4 इंच हो ये ऊंचा होगा। तो क्या हो गया, ईस्ट और नॉर्थ आपका ऊंचा हो गया, वेस्ट और साउथ वेस्ट नीचा हो गया, तो घर में पैसे की जैसी आवक थी जो वो नहीं हो पाती। साथ में जो घर के मुखिया, घर का बड़ा बेटा, उनमें जो स्पार्क आना चाहिए, जो उनके मौके मिलना चाहिए जिंदगी में, इतने अच्छे मौके मिल नहीं पाते। ठीक, यहाँ टॉयलेट प्रपोज लिखा है इन्होंने, तो अब इस अच्छा अब देखे अपन का ये रूम ठीक है, अपन इसमें देखे तो ये रूम ठीक है, दरवाजा भी दक्षिण अग्नि में आ गया, ये गलत है, ये नृत्य कोण का दरवाज़ा हो गया दक्षिण नृत्य का, ये दरवाज़ा पश्चिम वायव्य का हो गया, ये रूम जो है दरवाज़ा हो गया पश्चिम, ये पश्चिम नृत्य का हुआ, ये पश्चिम वायव्य का हो गया, ये पश्चिम वायव्य का दरवाज़ा है, किचन सही जगह पर है, अग्नि कोण में है, ठीक है ना, जीना भी ठीक चल सकता है, जीना सही बना हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें सुधार की ज़रूरत क्या है, सबसे पहले इनको चाहिए इस सेप्टिक टैंक को, इसको जो है इसका ऊपर का पूरा स्लेब हटाकर, इसकी सफाई कराकर इसको बंद कर दें, ठोस बंद कर दें मिट्टी डाल के। मेरा वीडियो बना हुआ है कि गलत जगह बना टैंक, उसको कैसे ठीक, उसको मतलब बंद करना, तो कैसे बंद करना, ठीक है। इनका कहना है कि ये पूर्व में भी घर का इंट्रेंस रख सकते हैं, यदि पूर्व में रखते हैं तो इनको चाहिए, पॉसिबल है इनके लिए, इजीली पॉसिबल है, तो इसको बंद कर दें, इसको रूम बना दें, इसको रूम बना दें और इस रूम को जो है, इस रूम को बरामदे सा मतलब बरामदे सा कि यहाँ अपने घर की एंट्री रख लें यहाँ पर और यहीं पर, क्योंकि ईस्ट है, उनने बोला कि सेप्टिक टैंक नॉर्थ को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता, नॉर्थ ऐसा है कि यहाँ उनका दूसरे का मकान होगा, ऐसा होगा, तो यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है, यहाँ साउथ में भी नहीं कर सकते कोई अंडरग्राउंड टैंक। अब एक ही जगह बचती, वो बचती पूर्व, तो इस कमरे को मतलब यानी कि दीवार हटा, इसको बरामदे सा कर लें, कुछ भी कर लें, यहाँ पर बना दें अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जरूरत नहीं तो भी एक पानी का टैंक बना दें, ठीक, और यहाँ पर बना दें सेप्टिक टैंक। कोशिश रहेगी यानी कि ये है 45 फीट, तो यहाँ से लेकर ये और ये जो दो कमरे छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं,
तो यहाँ सेप्टिक टैंक बना लें, यहाँ पर एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लें, तो इस घर में पैसे की आवक बहुत रहेगी और जो स्पार्क आना चाहिए परिवार में स्पार्क आ जाएगा। दूसरा, पूरे घर का फ्लोर लेवल एक जैसा कर दें। टॉयलेट यदि बनाना चाहते हैं तो यहाँ बना सकते हैं, अटैच ना करें, को अटैच करेंगे इस कमरे के साथ, यदि कमरा बनाते हैं तो ये इसका हो जाएगा क्या बोलते हैं ईशान कोण कट जाएगा, ये गलती ना करें, अलग से टॉयलेट बनाएं, ठीक है। और यहाँ बना के और आगे रास्ता अपने घर का यहाँ रख लें, यहाँ से एंट्री कर लें, सेफ्टी टैंक बन, यहाँ सेफ्टी टैंक यहाँ हो गया, अंडर का वाटर टैंक हो गया, दरवाजे बदल दें, जब यहाँ खुल जाएगा तो ये दरवाज़ा उठा के यहाँ लगा दें, ये दरवाज़ा रहेगा ही नहीं, तो ये दरवाज़ा भी सही हो गया, ये दरवाज़ा भी सही हो जाएगा इस कमरे का, और इसको डाइनिंग रूम जैसा बना लें फिर तो, ठीक है। ये दरवाज़ा सही है, ये दरवाज़ा सही है, और फिर यहाँ की और प्लानिंग की जा सकती है, पर इसको बंद करना जरूरी है और फ्लोर लेवल पूरा घर का एक जैसा करना है। ये कर लेंगे तो निश्चित मानिए इनके जीवन में इनको ऐसा लगेगा कि चमत्कार हो गया, लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी। क्यों? ये दोष ही ऐसे हैं जिस कारण वो समस्या है, और स्वास्थ्य संबंधी मतलब इनको जो परिवार में जो बार बार बीमार होते होंगे, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट आते होंगे, उस पर राहत मिल जाएगी इनको, ठीक है ना। और दूसरी बात है, यहाँ आने से पैसे की आवक कोई ना कोई सोर्स बनेगा। वास्तुनुकूल घर होता है तो ईश्वर को परमात्मा से कृपा करता है वास्तु के प्रभाव से कि कोई ना कोई इनकम सोर्स बन जाता है, या जिसमें उसमें उनकी प्रमोशन जैसी हो जाए, उनको बेटर जॉब मिल जाए, सब चीज़ें पॉसिबल है। तो ये कर लें तो सब अच्छा होगा। टॉयलेट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बना सकते हैं। इन्हें बाथरूम आदि का जिक्र नहीं किया है, वो नल भी जो लगाना फिर ही इसको बरामदे सा बना दें, तो नल भी यहाँ लगा लें चाहें तो इसका ये कवर लग रहा है, ये ओपन है, ये कवर्ड है हिस्सा, पर लगता है नीचा है ये, तो पूरा फ्लोर नीचा है या नहीं, पूरा घर का फ्लोर एक लेवल कर दें, तो इससे कोई भी जगह नीचे इस हिस्से से नॉर्थ ईस्ट से कोई भी हिस्सा नीचा नहीं रह सकता, ये ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।